हेलो स्टूडेंट्स ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की और आज हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपने सैटरडे को डाउट क्लियरिंग क्लासेस में पूछा था तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझने से पहले कुछ पॉइंट्स है सबसे पहली बात कि जो भी क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में सॉल्व करने हैं वो आपको पी के फॉर्मेट में ग्रुप में दिया जा रहा है फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं तो इसलिए कुछ बच्चे अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ बच्चे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसलिए जो पी दिया जा रहा है फिलहाल आप उसी उसी से जो क्वेश्चन है जो एक्सरसाइजेस हैं उनको अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करिए दूसरी बात अगर आपके पास कोई बुक है कोई साइड बुक है तो आप उस बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करिए और अगर कोई क्वेश्चन फंसता है कुछ नहीं समझ आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू पिक्चर्स आप ऐसे पिक्चर्स भेज करके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं थर्ड पॉइंट जो भी वीडियोस आपको भेजे जा रहे हैं उन वीडियोस को पहले ध्यान से देखिए फिर कोई पॉइंट अगर जो नहीं समझ आ रहा है उसको रिवाइंड करके फिर से देखिए और अगर इसके बाद भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा था तो उस क्वेश्चन में पाई को जो है हमने डिफाइन किया क्वेश्चन कहता है कि पाई इज पाई कैन बी रिटर्न एज सी बाई डी जहाँ सी सरकमफ्रेंस है और डी डायमीटर है यानी कि हम पाई को सरकमेंस और डायमीटर के के फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का टू पाई आर और डायमीटर को अगर रेडियस के टर्म में लिखे तो वो होता है टू इंटू रेडियस आर से आर कैंसिल टू से टू कैंसिल क्या आ गया पाई तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो हमें पाई देता है अब ये जो फैक्ट है इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई इेशनल है क्योंकि पाई को हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं सी बाई डी के फॉर्म में या पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि पाई एक इेशनल नंबर है तो इसको समझने के लिए हम वापस से रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वहां आते हैं रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर पी और Q क्या होंगे इंटीजर्स होंगे और साथ ही साथ Q नॉट इक्वल टू जीरो होगा यानी कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसको कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके जहां पी और क्यू इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू जीरो है उस फ्रैक्शन उस नंबर को हम राशनल नंबर कहते हैं अब जब हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ये जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर्स ही हों हो सकता है सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है वो डेसिमल में हो या फिर डायमीटर जो है वो डेसिमल में हो तो ये रेशियो जरूरी नहीं है कि ये नंबर सी और डी अलग अलग कैसे हों इंटीजर्स हों पी बाई क्यू अगर रैशनल नंबर है तो उसके लिए जरूरी है कि पी भी इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर हो लेकिन जब हम इस पाई के डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो वहां जरूरी नहीं है कि सी भी इंटीजर हो और डी भी इंटीजर हो या तो सर्कम्फ्रेंस या तो डायमीटर दोनों में से कोई भी या दोनों हो सकता है कि इंटीजर्स ना हो डेसिमल में कोई नंबर हो तो इसलिए हम पाई को क्या कहेंगे नंबर क्योंकि ये रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि सी और डी जरूरी नहीं है कि क्या है इंटीजर्स हो ही ये डेसिमल में भी नंबर्स आ सकते हैं अगला जो क्वेश्चन आपने पूछा था वो है रैशनलाइजेशन का जहां कि आपको रैशनलाइज uh, करना है डिनोमिनेटर को पहला पार्ट वन बाय रूट सेवन यहाँ सिर्फ एक टर्म है तो रूट सेवन को रैशनलाइज करना है यानी कि हमें कुछ ऐसे नंबर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है जिससे कि डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर आ जाए तो रूट सेवन को रैशनल बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर दें तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे वन इंटू रूट सेवन बराबर रूट सेवन और रूट सेवन इंटू रूट सेवन बराबर सेवन अब हमें आंसर क्या मिल गया है रूट सेवन बाई सेवन जहां जो डिनोमिनेटर है वो क्या है रैशनल है तो इस तरीके से हमने एक इेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया सेकेंड एग्जाम्पल वन अपॉन रूट सेवन माइनस रूट सिक्स ध्यान से देखिए इस तरीके के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है नीचे जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसके बीच में जो भी साइन है उसके ऑपोजिट साइन से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि यहाँ से रूट सेवन माइनस रूट सिक्स है तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को रूट सेवन प्लस रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहां बीच में माइनस साइन है तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से कि नंबर्स तो सेम है बस बीच में क्या साइन है प्लस का साइन है इन क्वेश्चन में हम कोशिश ये करते हैं डिनोमिनेटर में हम ये फॉर्मूला बना सकें क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये फॉर्मूला बना सके तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्योमिनेटर में होगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स और डिनोमिनेटर में होगा रूट सेवन का स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं ये हो जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन रूट सेवन का स्क्वायर होता है सेवन रूट सिक्स का स्क्वायर होता है सिक्स माइनस करेंगे वन आएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है वन हमने क्या किया यहां जो इन राशनल था डिनोमिनेटर उसको हमने राशनल में चेंज कर दिया अगला पार्ट वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट टू इंप्लाइज तो बीच में प्लस का साइन है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि रूट फाइव माइनस टू अपॉन रूट फाइव माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में हो जाएगा वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाती है रूट फाइव माइनस रूट टू डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन यहाँ रूट फाइव का स्क्वायर होता है फाइव और रूट टू का स्क्वायर होता है टू डिफरेंस होता है थ्री तो आंसर हमें मिल गया रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन थ्री हमने इशनल डिनोमिनेटर को रैशनल में चेंज कर दिया अगला एग्जाम्पल लास्ट जो है इस क्वेश्चन का फर्स्ट सॉरी वन अपॉन रूट सेवन माइनस टू हम क्या करेंगे यहाँ माइनस साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि रूट सेवन प्लस टू अपॉन रूट सेवन प्लस टू तो वन इंटू रूट सेवन प्लस टू हो जाएगा रूट सेवन प्लस टू और ये नीचे ए प्लस ब, आ, बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी रूट सेवन प्लस टू अपॉन रूट सेवन का स्क्वायर सेवन होता है और टू का स्क्वायर फोर होता है माइनस करेंगे माइनस फोर आ जाएगा थ्री तो आपका आंसर है 7 2 3. इस तरीके से जो भी रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन हैं उनको आप रैशनलाइज कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे कि डिनोमिनेटर क्या बन जाए रैशनल बन जाए इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण कहते हैं अगला जो क्वेश्चन आपने पूछा था वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि घातांक के नियम के बेस पे था तो देखते हैं इन सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन है कि आपको पता करनी इनकी वैल्यूज क्या होंगी पहला है थर्टी टू का पावर वन बाई फाइव बराबर आप जब थर्टी टू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप थर्टी टू को इस तरीके से लिख सकते हैं कि टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी कि टू को फाइव बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा थर्टी टू और इसका पावर वन बाई फाइव तो हम इसको लिख सकते हैं टू टू दावर फाइव और ब्रैकेट का पावर वन बाई फाइव बराबर हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि ए का पावर एम होल का पावर एन बराबर होता है ए के पावर एम एन के तो हम क्या करेंगे ए का पावर एम का पावर एन बराबर ए का पावर एम इन टू एन फाइव से फाइव कैंसिल आंसर आ गया टू का पावर वन दैट इज टू अगला क्वेश्चन थर्टी टू का पावर हमें देखना है टू बाई फाइव क्या होगा अगेन हम थर्टी टू को टू का पावर फाइव लिख सकते हैं इंटू टू बाई सॉरी होल का पावर टू बाई फाइव तो ये हो गया टू टू दावर फाइव और होल का पावर टू बाई फाइव फिर से हम यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा टू का पावर फाइव इंटू टू बाई फाइव फाइव से फाइव कैंसिल हो गया टू का पावर टू और टू का पावर टू यानी कि टू को दो बार मल्टीप्लाई करना क्या होता है टू टू फोर तो आंसर कितना आ गया फोर थर्ड क्वेश्चन सिक्सटीन का पावर है थ्री बाई फोर सिक्सटीन का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू का पावर थ्री बाई फोर ये हो गया टू को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया फोर टाइम्स यानी कि टू का पावर फोर होल का पावर थ्री बाई फोर वापस से यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये हो जाएगा टू टू दावर फोर इंटू थ्री बाई फोर फोर से फोर कैंसिल टू टू दावर थ्री यानी कि टू टू दावर थ्री मतलब टू इंटू टू इंटू टू विच कम्स आउट टू बी एट टू टू ज फोर फोर टू जट तो इस तरीके से हम जो भी आइडेंटिटीज जो भी आपको फॉर्मुले दिए गए हैं उसके बेसिस पे आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इेशनल इफ नॉट देन गिव एग्जाम्पल यानी कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का वर्गमूल जो है वो अपरिमेय होता है अगर नहीं तो हमें इसका एग्जाम्पल देना है तो इसका आंसर है नहीं यानी कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो तभी होता है जब वो जो इंटीजर हम ले रहे हैं वो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं हो यानी कि रूट एम जो है ये इर्रेशनल होगा अगर एम क्या है ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यानी कि रूट एम इेशनल तभी होगा जब वो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हो जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें रूट फाइव का तो फाइव एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए रूट फाइव क्या हो जाएगा एक इेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या लेकिन अगर हम बात करें रूट फोर की तो फोर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है टू का स्क्वायर कितना होता है फोर होता है तो ये क्या है ये नंबर नहीं है ये क्या है परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है क्योंकि हम रूट फोर को लिख सकते हैं रूट टू अंडर रूट टू इंटू टू दैट इज अंडर रूट टू का स्क्वायर और जो कि क्या हो जाता है टू हो जाता है तो ये क्या है एक राशनल नंबर इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इस बात को प्रूव करने का अंडर रूट सेवन अगर लें तो ये रैशनल नहीं है लेकिन अगर अंडर रूट नाइन लें तो हम इसको लिख सकते हैं थ्री और ये क्या है रैशनल नंबर है तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या सारे जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका रूट रैशनल इरेशनल होता है तो नहीं ये बात गलत है कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं उनका रूट जब लेते हैं तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया रूट फोर एग्जाम्पल हो गया या फिर रूट नाइन एग्जाम्पल हो गया क्योंकि रूट फोर की वैल्यू होती है टू रूट नाइन की वैल्यू होती है थ्री और टू और थ्री क्या है ये नंबर्स हैं अगला जो एक पॉइंट आपको नहीं समझ आया था वो ये है कि देयर इज रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग टू ईच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन देयर इज अ रियल नंबर ये जो लाइंस है ये कहना चाह रही है ये समझा रही है कि रियल नंबर हर एक अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस इसपे जितने भी पॉइंट्स होंगे मान लीजिए जी यहाँ जीरो है यहाँ वन है यहाँ टू है यहाँ पे कहीं माइनस वन माइनस टू एन सो ऑन तो इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स so तो आप ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे क्या होंगे कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा रियल नंबर पे रियल लाइन पे आप जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स किसी ना किसी रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेंगे और इसका उल्टा यानी कि रियल नंबर पे रियल लाइन ये बनी हुई है और इस लाइन पे कोई भी अगर आप पॉइंट लेंगे तो वो हो क्या होगा एक रियल नंबर ही होगा ध्यान से समझिएगा दो बात कही जा रही है सबसे पहली बात कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट कोई ना कोई रियल नंबर ही होता है और दूसरी बात हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है रियल नंबर होता है जब भी हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पर मान लीजिए हमने ऐसे पॉइंट्स बना दिए अब हम इस पर बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं ये हर पॉइंट क्या होगा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा एक यूनिक नंबर होगा और इसी की उल्टी बात यानी कि जितना भी पॉइंट आप बना सकते हैं वो रियल नंबर ही होगा ये जो स्टेटमेंट है इसका ये मतलब है अब आज के एक और टॉपिक जो हम रिवाइज करेंगे मंडे लेक्चर का दैट इज रिमाइंडर यानी कि शेषफल प्रमेय तो ये स्टेटमेंट uh, क्या कहता है कि पीएक्स uh, एक है, या है। यानी कि पीएक्स एक पॉलिनोमियथ डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू वन और मान लेते हैं कि ए कोई रियल नंबर है तो यदि पीएक्स को रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है पी ए होता है ये स्टेटमेंट है इसका कि अगर हम पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उसकी वैल्यू वही होगी कि हम जब में एक्स की जगह क्या पुट कर दें ए पुट कर दें डिवीजन वाला जो क्वेश्चन है जो हमने पॉलिनोमियल uh, का डिवीजन पढ़ा था दैट इज दैट आपने उसको क्लास uh, एथ में भी पढ़ा होगा तो वो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि, कि किस तरीके से वो सॉल्व होता है ये क्वेश्चन देखते हैं कि x प्लस वन को हम ये यहाँ पे है x प्लस वन और यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिविजन करना है तो हम कैसे करते हैं सबसे पहले यहाँ x का पावर टू है तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म को थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स साइन चेंज करेंगे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ बचेगा माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स जो कि होता है माइनस टू एक्स और ये माइनस वन यहाँ नीचे होता रहेगा फिर हम क्या करेंगे अब हमें क्या चाहिए टू एक्स चाहिए तो हम इसको इस तरीके से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें यहां, सेम साइन के साथ टू एक्स मिल जाए तो हम इसे माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू एक्स माइनस टू फिर हम साइन चेंज करेंगे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा वन बचेगा रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इस एग्जाम्पल को हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था तो ये इसको समझने से रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा आपको तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि आपको एक पॉलिनॉमिल दिया है पी एक्स पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन मान लेते हैं कि एक्स बराबर माइनस वन एक नंबर दिया है जहाँ माइनस वन ए है तो हम अगर इसको डिवाइड करें एक्स प्लस वन से यानी कि ये जो अगला पॉलिनॉमल है वो है एक्स प्लस वन इस पॉलिनॉमिल को अगर हम इससे डिवाइड करें तो वैल्यू वही होगी जो क्या होगा p ऑफ माइनस वन यानी कि x प्लस वन का रूट पहले निकालते हैं तो रूट कैसे निकालते हैं इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस वन यही माइनस वन क्या है जो थ्योरम में हम a पढ़ रहे हैं रियल नंबर वो क्या है माइनस वन है अब ये वैल्यू हम x की जगह पुट कर देंगे तो p ऑफ x की जगह p ऑफ माइनस वन हो जाएगा और जहां जहाँ x है वहां वहां हम माइनस वन लिख देंगे फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जीरो आंसर आ रहा है कैसे माइनस वन का क्यूब होता है माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर होता है वन इंटू थ्री प्लस थ्री हो जाएगा थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री और प्लस वन कैंसिल हो गया आंसर आ गया जीरो ये क्या है रिमाइंडर थ्योरम का एक एग्जाम्पल है तो इसी के बेसिस पे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइजेस के काफी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर नहीं सॉल्व हुए हैं तो आप उनको सॉल्व करिए अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप उनको पूछिए और अगले टर्न पे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे थैंक यू क्लास